हेलो नमस्कार दोस्तों, लॉगरिथम के इस सेकेंड वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इससे पहले ना दोस्तों इसका पूरा लेक्चर देखे थे। अभी हम कुछ क्वेश्चन उसी लेक्चर पे प्रैक्टिस करते हैं जिसमें कल मैंने होमवर्क भी आपको दिया था। उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम जो है करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा को पढ़ते हुए इनइक्वालिटीज को पढ़ेंगे और लॉगरिथम में जो भी कंसेप्ट है पाथफाइंडर में उसको खत्म करते हुए हम लोग फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करते हुए PYQ भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ PYQ भी इंक्लूडेड है तो वो भी करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। आपके सामने क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज लॉग ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग, ये नहीं है दोस्तों, 1 बाय ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1। देखिए लॉगरिथम किसी में भी डालकर पूछा जा सकता है आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, AP में, GP में, कुछ भी, इसका HP भी है उसमें भी पूछा जा सकता है। मैट्रिक्स में डाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट में डाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में डाल सकते हैं, कहीं पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलिए सॉल्व करते हैं कैसे बनाएंगे इसको। इसको बनाने के तो वैसे बहुत तरीका है, वैसे मुंह से भी आंसर दे सकते हैं कि उसका उत्तर 0 होगा, लेकिन कैसे देखो हमारे सामने लिखा हुआ है लॉग ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और प्लस लॉग 1 बाय ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1। दोस्तों इसमें हम यूज करने वाले इस तरफ इनवर्स क्या कहते हैं प्रॉपर्टी को। अच्छा, ए 1 बाय ए को हम ए इनवर्स लिख सकते हैं अगर इसको पूरा कंसिडर हम कर ले ए तो, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं लॉग ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वन, और ये आपका प्लस लॉग ऑफ ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वन इस कंप्लीट का इनवर्स, और ये उछल कर फिर नीचे आ जाएगा। आपको पता है तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्लस की जगह हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस माइनस को लगाते हुए दोस्तों हम इस पर वर्क कर सकते हैं, रुको 1 मिनट, ठीक है। तो ये जब माइनस हो गया तो ये प्लस और ये माइनस कट के क्या दे दिया 0, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 0। और कई तरीके बनाने के, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, ठीक है, तब बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे सामने में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। चलो इसी को पहले सॉल्व कर देते। e^(10^1 + 10^2°), ठीक है, लॉग 10^1 = 10, 10^2 = 10, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे बनाएंगे? इसको सबसे पहले देखो एक पैटर्न पकड़ो, इसमें क्या पकड़ सकते हो, लॉग एम, लॉग एन, लॉग जेड, लॉग क्यू, यानी बेस सेम है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e^(, अगर लॉग 10 को हम इस तरह से रखें और बाकी 10^1°, ठीक है, 10^2°, ठीक है, और इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये 10^89° तक है, ठीक है, ओके। अब इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों, कैसे समझेंगे? देखिए अगर लिखा हुआ 10^1°, ठीक है, 10^2°, ओके, और 10^3°, इस तरह से लिखा हुआ है, ओके, ये 10^89° तक है, ओके। तो एक चीज़ देखिए, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसके टर्म में, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, 10 इसको लिख देते हैं 90, अब माइनस क्या 89°, ठीक है। और आपको पता है 10^90 - θ बराबर क्या होता है, cot θ, ये सबको पता है। तो इसको हम cot 89 लिख देंगे, तो इसका मतलब 10^89 और cot 89 दोनों मिलकर दे देगा एक। इसी तरह से 2° को भी 88 के साथ कंबाइन करेंगे, 3 को 87 के साथ करेंगे, इस तरह से सब कट के 1 देगा, क्योंकि 10θ * cot θ मिलाकर 1 देता है। ये बातें क्लियर है? यानी इस पूरे के जगह पर हम अब क्या लिखने जा रहे हैं, 1, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ भी सॉल्व किया e^(log(1)/10, ठीक है। और आपसे मैं पूछूँ 10^(1) होती है, तो आप कहेंगे सर 10^ तो 0 होती है 1, ठीक है। तो इसका वैसे भी आपको पता है कि लॉग 1 का मान 0 होता है, अगर 10^(0) 1 होती है तो e^(0) ये हमारा हो गया, e^(0) का मान क्या होगा 1, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है लॉग 999 + √(x^2 - 3x + 3)^0 3/10, इसका क्या, x का क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए, इसमें दिया हुआ 0 only 1, यहाँ पर only 2 और d में 1, 2। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात बताइए, 10 हमारा क्या है, बेस, और एक्सपोनेंट कौन है, 3। ऐसा जिसको ये करने में दिक्कत होता है ना, वो पहले वाला वीडियो जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं दोस्तों। इसे बेस बोला जाता है और ये एक्सपोनेंट है, 10^3 बराबर, हम ये पूरा n है तो इसको बराबर में लिख सकते हैं 999 + √(x^2 - 3x + 3). अब इसको 1000 लिख देंगे और 1000 में से 999 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बराबर हो जाएगा √(x^2 - 3x + 3)। ये 1 बराबर क्या हो जाएगा √(x^2 - 3x + 3), राइट। तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x^2 - 3x + 2, क्योंकि ये 3 में से घटाएगा, बराबर 0,
एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू बराबर जीरो, इसको फैक्टर कर देंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस टू और माइनस वन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू, देख लीजिए ये माइनस थ्री एक्स हुआ, गुना करने के बाद प्लस टू एक्स स्क्वायर हो गया और कॉमन लिए तो एक्स माइनस टू, माइनस वन कॉमन लिए तो एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू एक वैल्यू और एक एक्स माइनस टू, एक्स का मान एक वन और एक दो, इसलिए डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। ओके आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ और कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके तो ये चीज़ें आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा भी जानकारी अगर आपके दिमाग में रहेगा ना तो देखो मैं समय ले रहा हूँ समझाने में, वैसे मुझे सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए ना तो मैं एक मिनट में इसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी समय इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोग समझ पाओ यार, इस पैटर्न को पकड़ पाओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, देखो इस तरह का जब क्वेश्चन आपको दिखे ना तो ये आसान है बनाना, बहुत आसान है बनाना, ठीक है। इसमें लगता है मुझे ऑप्शन में गड़बड़ी हो गया कहीं पर, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं फिर भी क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात जो है ये लिखा हुआ है, आपको पता है अगर log b बेस a है तो हम इसको log b बाय log a भी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जिसको समझ में नहीं आ रहा प्लीज़ आप पहला वीडियो देखिए, बहुत डिटेल में 41 मिनट का वीडियो मैंने डिटेल में चर्चा किया है, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, log 4 बट्टा log 3, ठीक है, इंटू log 5 बट्टा log 4। मैं इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, अंतिम में log 81 बट्टा log 80। अच्छा मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये इससे कटा, ये फिर इससे कटा, क्योंकि आगे जब लिखेगा तीन चार है तो आगे होगा log, log क्या अब बताओ, यहाँ पर अगर है ती चार पाँच छः तो ये चार पाँच छः चलेगा, और यहाँ पर log 6 बट्टा log क्या होगा 5, तो ये इससे कट जाएगा और कहीं आगे log 6 भी कटेगा, तो यानी इस तरह से कटता जाएगा, तो एक log 3 बचेगा और यहाँ पर log 81 बचेगा, क्योंकि log 80 भी किस पोजिशन पर जाकर, किसी पोजिशन पर जाकर वो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा log 81 अब बट्टा log 3, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर क्या, log 81 बेस 3। अच्छा तीन की कितनी घात 81 होती है, तो आपको कहोगे सर चार, इसलिए सही उत्तर इसका चार होगा। जिसको नहीं समझ में ऐसे लिखना, log 81 बेस 3 बराबर मान लोगे x, और ये यहाँ पर गिरेगा नीचे क्योंकि ये बेस और ये एक्सपोनेंट, 3 के पावर x = 81, 3 के पावर x = 3 के पावर क्या 4, x का मान कितना हुआ 4, हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा और सीखना होगा, ठीक है। ये सब कुछ गिने चुने से क्वेश्चन थे जिसे मैंने आपको बताया है, इंक्लूड किया है, और बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे हम लोग देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरे सामने ये क्वेश्चन है, देखिए गौर से कि log 10 बेस a, log 10 का स्क्वायर बेस a, इस तरह से 10 के पावर 10 है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, उसको ध्यान रखिए। अगर log 10 बेस a है प्लस log 10 बेस 10 का स्क्वायर बेस a है, और इस तरह से आपका क्या है 10 के पावर n और बेस a है, तो इसको कैसे बनाया जा सकता है। देखो log m, log n, log z, तो इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, log 10 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू इस तरह से 10 के पावर n, ओके राइट। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, और हमारा नीचे बेस में तो ए रहेगा ही ना, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, गौर से देखना आप लोग, ठीक है। तो हम एक कॉमन चीज़ क्या देख रहे हैं, हम कॉमन चीज़ देख क्या रहे हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि भाई ये जो है, अच्छा एक काम करेंगे, यहाँ पर बेस में हमारा ए दिया हुआ था, तो हम इस कंप्लीट को ऐसा लिख सकते हैं 10 के पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n तक। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपका मतलब है सेम आपका बेस है यहाँ पर, और ये गुना में पावर जुटता है, तो n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बट्टा टू, राइट। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जब इस तरह से लिखेंगे ना, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, इसका इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ओके आप लिख देंगे इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या बोलो, 10 की पावर, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन बट्टा टू और बेस में a। अच्छा ये उछल कर पीछे चला जाएगा, और ये आपका जो होगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये वैल्यू हो जाएगा, एक मिनट, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, और आपका क्या होगा log आपका 10 बेस a, ठीक है। तो ये हमारा जो है उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है, ओके ये चीज़ें क्लियर है। आप आई होप आप लोगों का ये सारा चीज़ क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर इसमें निकल के दोस्तों आएगा, ठीक है, हमारा आंसर इसमें क्या निकल के आएगा, अब हमसे देखो एक बात पूछो, बताता हूँ, अगर इसमें कुछ वैल्यू दिया होता, ठीक है, इसमें जैसे वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू दिया रहेगा, अगर वैल्यू दिया नहीं रहेगा तो
ये बेस में आपका कुछ दिया रहता है, ठीक है, 10 वगैरह कुछ रहता है, ठीक है। इस तरह से याद आप रखिएगा, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपका जो था ना, ये 110 के बराबर था, किसके बराबर था, 110 के बराबर, ठीक है। तो आपको ए का मान निकालना था, चूंकि हमको यहाँ पर तो बेस अलग है और ये आपका एन का मान अलग है, तो हम इसको निकालने के लिए तो कोई और मेथड अपनाएंगे नहीं। तो अगर बेस यहाँ पर 10 अगर हम कंसिडर करेंगे, तब इसका मान हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, ठीक है। और वहाँ पर अगर बेस अगर आपको 10 दे देता है, तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन ये पैटर्न आप समझ लीजिएगा, पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। इसके बेसिस पे आप ये सॉल्व करके हमें बताइए, ठीक है। यहाँ पर आपको ए का मान निकालना है, ए का मान इसमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है, इस पर हम गौर थोड़ा फरमाते हैं, नज़र देते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है log 2 base 10 log 2 की पावर x-1 base 10 log 2 के पावर x+3 base 10 जो है कंजुगेटिव टर्म है और ये एपी में है, ठीक है। माने तो अगर कोई तीन टर्म एपी में, मान लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो हम इसका कॉमन डिफरेंस को इक्वल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं बी माइनस ए बराबर क्या होगा, सी माइनस बी, इसको 2b बराबर ए प्लस सी कह सकते हैं। कहता है कि भाई एपी में है, तो बताओ इसमें से कौन सा पॉसिबिलिटी एक्स के लिए हो सकता है, राइट है, ठीक है। चलिए हम इस चीज़ को देखते हैं, पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 times आपका क्या हो जाएगा, log 2 base 10, अब बराबर क्या होगा आपका, फिर log 2 की पावर x-1 base 10, ये आपका हो जाएगा प्लस log 2 की पावर x+3 अब base 10। अच्छा इसको हम 1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये बेस, ये एक्सपोनेंट इस पर चढ़ जाएगा, लॉग आपका जब चढ़ जाएगा। तो देखो अब इसको क्यों हम 1 लिख सकते हैं, बताओ ऐसा क्यों हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, राइट। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इसको लिखने का प्रयास अगर करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या है कि एक काम हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर हम इसको ए कंसिडर किए हैं, तो हमारा क्या, अरे मैंने गलत लिख दिया भाई, सॉरी दोस्तों, माफ़ करना, ठीक है, मैं उल्टा पुल्टा ले लिया था, इस वजह से ऐसा हो गया, सॉरी। ओके देखो यहाँ हम बी के जगह पर ये हमें लेना चाहिए था ना, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। log 2 की पावर x-1 base 10 और आपका ये 2 था इस तरह से, ठीक है, और बराबर में ए हमारा क्या था, log आपका क्या 2 base 10 प्लस log 2 की पावर x+3 और base 10, राइट। अब ये इसके जो है इस तरह से, तो आपको पता है कि एक्सपोनेंट में इसके ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर x-1 का ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, base 10, ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, और बराबर क्या होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा है log 2 base 10, ठीक है, और ये 2 की पावर x+3। हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये आपका जो है ना 1 अलग है, इसके साथ नहीं है, राइट। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, देखो ये कंप्लीट हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, ऐसे आपको और क्लियर हो जाएगा, ऐसे लिखो इसको एक बार, ठीक है, ऐसे करके। ओके नेक्स्ट पेज पे मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, ओके ठीक है। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको उलझन में डाल दिया। नेक्स्ट पेज पे इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेरा वैल्यू आया था 2 log 2 की पावर x-1 base 10 और आपका ये हो जाएगा, ये था आपका log 2 base 10 प्लस log 2 की पावर x+3 base 10, राइट। देखिए हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, log 2 की पावर x-1, ये आपका क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ओके और इसको हम लिख देते हैं, बेस में 10 हमारा रहेगा, और ये log 2 base 10 प्लस log 2 की पावर आपका क्या x+3 base 10। ओके देखिए इसमें सेम है, तो हम एक काम करते हैं, log को ओमिट कर देते हैं, 2 की पावर x-1 का होल स्क्वायर बराबर 2 into 2 की पावर x+3, क्यों, log m+n, log m into n, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम a-b का होल स्क्वायर 2 की पावर x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या दोस्तों 2 into 2 की पावर x बराबर क्या 2 की पावर, ये आपका क्या हुआ, अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर x+1, राइट, और ये क्या 6। अब देखो एक काम हम कर सकते हैं, इस 2 की पावर x को ना हम y मान लेते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y
बराबर क्या होगा, ये 2 की पावर x प्लस 1 है, ये समझ में आपको आना चाहिए। मैंने यहाँ पीछे गलत कर दिया था, मैंने कहाँ गया, ठीक है कहाँ गया भाई, कहाँ उड़ गया यार, ठीक है उसमें मैंने कुछ किया था जो मुझे खुद नहीं पता, ठीक है शायद मैंने इसे कंप्लीट होल स्क्वायर ले लिया था जो कि मैंने मिस्टेक से लिख दिया था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर 2 के पावर x प्लस 1 है तो ये 2y हो जाएगा, राइट। एक मिनट दोस्तों, ये 2y हो जाएगा और ये +6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये आपका ये इधर आएगा, तो वाई स्क्वायर -4y और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस कितना 5 = 0। तो यहाँ पर y की कितनी मान होगी, तो वाई स्क्वायर -5y और उसके बाद +y -5 = 0। तो वाई टाइम्स वाई -5 +1 कॉमन ले लिए वाई -5, वाई का मान एक -1 और एक वाई का मान 5, राइट। ये हमारे पास दो वैल्यू आया है वाई का, हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि y का, अब y का दो वैल्यू जो आया, ठीक है y का एक वैल्यू दोस्तों आया है, y का भी एक वैल्यू -1 की वन आया है, रुक जाओ फिर भाई कितना है, हाँ y का एक वैल्यू -1 और एक वैल्यू आया है आपका 5। अच्छा एक बात बताओ, y का वैल्यू हमने y किसको कंसिडर किया था, 2 की पावर x को y कंसिडर किया था, एक बात बताओ यहाँ पर -1 पे वैल्यू क्या आएगा, नहीं आएगा क्योंकि log -1 डिफाइन नहीं है, तो इसलिए ये -1 नहीं होगा। तो इसलिए हम अब क्या करते हैं, 2 की पावर x जो है ना, 2 की पावर x बराबर अब लिखते हैं 5। तो बताओ ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा बेस रहेगा इस तरह से लिख देंगे और ये हमारा n बन जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, log 5 base 2, log 5 base 2, ये हमारा बी नंबर ऑप्शन है। माफ़ी चाहता हूँ मैंने बीच में कुछ आपको उल्टा पुल्टा शायद बता दिया था, ठीक है। ये मैंने आपको कंप्लीट इस पे पावर चढ़ाने के लिए कहा था जो कि गलत था दोस्तों, माफ़ी मैं चाहता हूँ इसके लिए, ठीक है ओके। तो आपका क्या है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन है जो आपको कर लेने हैं, ठीक है, और सब जानदार क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया भी होगा, और इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको दिखे, ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना ये है कि इसमें आपको जब ऐसा वाला दिखे तो आप इस तरह का कुछ इक्वेशन बने तो आप उसको वाई कंसिडर कर लेना और बना के लास्ट में लॉगरिथम को चेक करना मत भूलना, लॉगरिथम को चेक करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।